सर्वप्रथम दुनिया को दया करुणा और शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक बुद्ध, शिक्षा की ज्योत जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फूले, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, संविधान निर्माता, महिलाओं के मुक्तिदाता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बहुजनों में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब, मैं सभी को अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस उत्तर प्रदेश की चार बार की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की सभा के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के महासचिव परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनके साथ आए हुए उनके बेटे, हमारे युवा नेता जिन्होंने अभी बड़े जोशीले आपको भाषण दिए परम आदरणीय कपिल मिश्रा जी, हमारे पिता तुल्य मुख्य सेक्टर प्रभारी बाऊजी परम आदरणीय गोरेलाल जाटव जी, हमारे पूर्व एमएलसी मेरे बड़े भाई परम आदरणीय वीरू भाई, मुझे उनका नाम नहीं याद रहता, और सभी सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित इस विधानसभा के साथी और पदाधिकारी और हमारे ब्राह्मण समाज के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी, आप सभी को मेरा जय भीम और सभी को मेरा राम राम। देखिए आप सभी ने 2017 से 2022 की ये बीजेपी सरकार देखी है, इस सरकार ने सभी लोगों से वादे किए थे, आज वो वादे 5 साल में आप सभी जान चुके हैं कि वो जुमलों में बदल चुके हैं। मैं जुमलों के बाद यदि कोई नाम दूं तो ये बीजेपी के वादों को किन लोगों ने जनता के साथ सबसे बड़ा षड्यंत्र करने का काम किया, जनता को 5 साल तक झेलने का काम किया, कपट किया, जनता को सबसे पहले जब लोग ने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएंगे। सरकार बनी, 5 साल चली, लेकिन आप बताइए क्या किसी के खाते में 15 लाख आए? वादा किया था हम काला धन वापस लाएंगे, हमने 5 सालों में काला धन आते हुए नहीं देखा, लेकिन हमने इन लोगों को, नीरव मोदी जैसे लोगों को इस देश का सभ्य धन ले जाते हुए देखा है पर काला धन वापस आते हुए नहीं देखा। किसानों से वादा किया था हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दुगनी होगी, हमने 5 सालों में किसानों की आय दुगनी नहीं देखी बल्कि किसान की समस्या, किसान की परेशानी, किसान की आत्महत्या दुगनी होते हुए देखा है पर किसान की आय दुगनी होते हुए नहीं देखा। गरीबों से वादा किया था हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई कम करेंगे, इन बीजेपी के लोगों को 2017 से पहले 300 का सिलेंडर बहुत महंगा नजर आता था, चिल्ला चिल्ला कर कहा था सरकार बनेगी महंगाई कम करेंगे, सरकार बनी 5 साल चली और इसी सरकार ने जिसने वादा किया था महंगाई कम करने का 5 सालों में 300 का सिलेंडर 1000 का कर दिया, 60 का सरसों का तेल 200 कर दिया, डीजल पेट्रोल 100 पार कर दिया, वोट लिया था महंगाई कम करने के नाम पर और काम किया महंगाई को बढ़ाने का। युवाओं से वादा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, इन्होंने नौकरी तो नहीं दी बल्कि सैकड़ों युवाओं का हर साल रोजगार छीनने का काम किया। साथियों मैं आपको बता दूं कि इस सरकार ने जो आपसे कहा वो कभी किया नहीं और जो किया वो कभी कहा नहीं। मोदी जी जब आए तो जोर जोर से कहते थे कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ, देश को बिकने नहीं दूंगा, अरे वोट लिया था चौकीदार बनकर, वोट लेने के बाद देश के ठेकेदार बन गए और देश की जो सरकारी संस्थान थे एक एक करके बेच दिए। आप मुझे बताइए चौकीदार नजर नहीं आते, अगर आपको चौकीदार देखने हैं तो जाकर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे किसान भाइयों को, जो मेरे किसान भाई इस बीजेपी सरकार से पहले दिन में मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, लेकिन वही
हाथ में एक चादर ओढ़कर चैन की नींद सो जाते थे। आज इस बीजेपी सरकार में वही किसान दिन में मेहनत करता है, मजदूरी करते हैं, और वही अन्नदाता रात को एक लाठी लेकर एक टॉर्च लेकर खेतों की चौकीदारी करने भी जाते हैं। चौकीदार तो चौकीदार नहीं बना, लेकिन मेरे देश के किसानों को चौकीदार जरूर बना दिया। साथियों, आप सभी ने 2007 से 2012 की बैंक वाली मायावती की सरकार देखी है। यदि मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खुद आप लोग ही बताते हैं कि जो ये टीडीएस की पानी की टंकियां लगी है, बैंक वाली मायावती के शासन काल की लगी है। जिन पक्के रोडों पर आज हम खड़े हैं, ये बैंक वाली मायावती के शासन काल में बने हैं। जो पानी की, जो बिजली लगी, जो किसानों को कनेक्शन मिले, जो खम्भे गड़े, जो बल्ब जले, वो भी बैंक वाली मायावती के शासन काल के बने। साथियों, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, बैंक वाली मायावती के शासन काल का विकास कुछ चट्टान की तरह ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा है और गवाही दे रहा है कि अगर विकास होता है तो बैंक वाली मायावती के शासन काल में होता है। साथियों, आज एक जातीय धर्म के लोग नहीं चाहते हैं कि सिर्फ बहन मायावती जी की सरकार बने, बल्कि सर्व जाति सर्व धर्म के लोग जो विकास चाहते हैं वो बैंक कुमारी मायावती की सरकार चाहते हैं, जो मान सम्मान चाहते हैं वो बैंक कुमारी मायावती की सरकार चाहते हैं, जो रोजगार चाहते हैं वो बैंक कुमारी मायावती की सरकार चाहते हैं।